क्या आप विश्वास करेंगे कि भारत में एक मंदिर ऐसा भी है जहां भगवान की मूर्ति की नहीं बल्कि एक बाइक की पूजा होती है? जी हां, एक ऐसी जगह है राजस्थान के पाली में जहां के श्री ओम बना मंदिर में भगवान की किसी मूर्ति की नहीं बल्कि एक बुलेट मोटरसाइकिल की पूजा होती है। लोग उस बाइक की पूजा करते हैं, उस पर फूल मालाएं चढ़ाते हैं। यूं तो भारत में बहुत सारे मंदिर हैं, मगर इसके जैसा शायद ही कोई हो। आखिर क्या खास है इस बाइक में और क्यों लोग इसे पूजते हैं, आइए जानते हैं। ठाकुर ओम सिंह राठौड़ का जन्म पाली के चोटीला गांव में 5 मार्च 1965 में ठाकुर जोग सिंह राठौड़ के घर पर हुआ था। राजस्थान में राजपूतों को बनासा बोलने का रिवाज है, इसलिए ओम सिंह राठौड़ को भी ओम बना कहा जाता था। ओम बना अपने पिता की इकलौती संतान थे और पूरे परिवार के लाडले थे। बचपन से ही उन्हें बड़े लाड़ प्यार से पाला गया था। जो भी उनकी इच्छा होती थी उन्हें वह चीज दिला दी जाती थी। उन्हें बाइक चलाने का बड़ा शौक था, इसलिए जैसे ही ओम बना थोड़े बड़े हुए उन्होंने रॉयल इनफील्ड मोटरसाइकिल खरीद ली। यह मोटरसाइकिल ओम बना को बहुत पसंद थी। ऐसा लगता था कि जैसे उनकी जिंदगी बस इसके इर्द गिर्द ही घूमती थी। वह हर समय अपनी इस बाइक पर बैठे ही दिखाई देते थे। बाइक लेने के थोड़े समय बाद ही ओम बना की शादी हो गई। उनका ससुराल उनके गांव से ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए वह बीच बीच में अपनी बाइक पर अपनी पत्नी को बिठाकर उनके गांव निकल जाया करते थे। यह बात है 2 दिसंबर 1988 की। हमेशा की तरह ओम बना अपनी बाइक पर सवार होकर अपनी पत्नी के गांव गए हुए थे। ओम बना उनसे ही मिलने गए हुए थे। वह अपनी पत्नी से मिले और शाम तक वहीं उनके साथ रहे। उसके बाद शाम को वह फिर से अपनी बाइक पर बैठे और अपने घर की ओर निकल पड़े। घर लौटते हुए ओम बना को थोड़ा समय लग गया। वह जिस रास्ते से घर आ रहे थे उस रात वह सड़क पूरी तरह से खाली थी। उस सड़क पर उन्हें न के बराबर ही वाहन दिखाई दे रहे थे। खाली सड़क देखते ही ओम बना के अंदर का बाइक रेसर जाग गया। उन्होंने सोचा कि क्यों न समय का थोड़ा फायदा उठाया जाए। उन्होंने तुरंत ही अपनी बाइक की गति बढ़ा दी। कुछ ही पलों में उनकी बाइक हवा से बातें करने लगी। ओम बना इस लम्हे को पूरे दिल से जी रहे थे, इसलिए ही उन्हें बाइक चलाना बहुत पसंद था। ओम बना अपनी तेज रफ्तार बाइक का मजा ले रहे थे कि तभी सामने एक मोड़ आ गया। उन्होंने कोशिश की अपनी बाइक को संभालने की, मगर वह कुछ न कर सके। अगले ही पल उनकी बाइक जमीन पर पड़ी थी और ओम बना उससे थोड़ी दूरी पर गिरे हुए थे। उनका शरीर बेजान पड़ गया था। ओम बना की उसी समय मौत हो गई थी। अगली सुबह पुलिस घटनास्थल पहुंची। सीधा साधा समझ आ रहा था कि यह एक एक्सीडेंट का केस है। उन्होंने ओम बना की लाश उनके घर पहुंचाई और बाइक को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गए। सबको लगा कि यह ओपन एंड शट केस है, इसलिए किसी ने भी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और ओम बना की बाइक पुलिस स्टेशन के बाहर रख दी गई। अगले दिन जैसे ही पुलिस वाले स्टेशन में वापस आए, उन्होंने देखा कि ओम बना की बाइक वहां पर है ही नहीं। हर कोई हैरान हो गया कि आखिर वह बाइक गई तो कहां गई। किसी को कोई खबर नहीं थी कि कौन बाइक को लेकर गया है। पुलिस वालों को लगा कि जरूर किसी चोर ने उस बाइक पर अपना हाथ साफ किया है, इसलिए उन्होंने बाइक चोरी होने की सूचना बाकी पुलिस वालों को भी दे दी। कुछ देर बाद ही पुलिस को सूचना मिली कि एक RNJ 7773 नंबर की बाइक चोटीला गांव के पास जोधपुर पाली हाईवे पर लावारिस हालत में खड़ी हुई है। यह बाइक ओम बना की ही थी। कुछ पुलिस वाले गए उस बाइक को वहां से बरामद करने के लिए। उन्हें लगा कि यह किसी चोर का काम है जो आखिर में बाइक को यहां पर छोड़ गया है। उन्होंने बाइक बरामद की और वापस उसे थाने में ले गए। उस रात बाइक पुलिस स्टेशन में ही रही, मगर अगले दिन फिर पिछली वाली घटना घटी। अगले दिन जैसे ही पुलिस वाले स्टेशन में आए, उन्होंने देखा कि ओम बना की बाइक फिर से गायब है। फिर थोड़ी देर बाद उन्हें खबर मिली कि ओम बना की बाइक उनके दुर्घटना स्थल पर देखी गई है। पुलिस को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यह काम किसका है। उन्हें लगा कि शायद कोई उनके साथ मजाक कर रहा है। इस बार पुलिस वालों ने सोच लिया
कि चोर को कोई भी मौका नहीं देना है बाइक चुराने का, इसलिए उन्होंने बाइक का सारा पेट्रोल निकाल दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने बाइक को चेन से भी बांध दिया ताकि कोई उसे लेकर ना जा सके। पुलिस की कोशिशों के बाद भी अगले दिन जैसे ही वह पहुंचे, उन्होंने देखा कि बाइक फिर से गायब है। उसके बाद कई बार उन्होंने बाइक को जब्त किया, हर बार वह बाइक फिर से दुर्घटना स्थल पर ही वापस मिलती थी। इस बात की खबर जैसे ही आसपास के गांव के लोगों को लगी, उन्होंने इसे चमत्कार का नाम दे दिया। उनका मानना था कि इसमें ओमबना की आत्मा बसती है। जब इस बात की खबर ओमबना के पिता और उनके गांव वालों को लगी, तो उन्होंने कहा कि इस सिलसिले को खत्म करने के लिए उन्हें दुर्घटना स्थल पर ओमबना का एक स्मारक बनाना पड़ेगा। इसके बाद गांव वालों ने उस दुर्घटना स्थल के पास ओमबना के नाम से एक स्मारक बना दिया और उनकी बाइक को वहां पर रख दिया। उस दिन के बाद से वह बाइक वहां से कहीं नहीं गई। लोगों ने इसे चमत्कार मान लिया। तब से ये एक स्मारक नहीं बल्कि एक मंदिर बन गया है। इस मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ पर किसी भगवान की मूर्ति नहीं बल्कि ओमबना के बाइक की पूजा होती है। उस दिन के बाद से आज तक यह मंदिर वैसा का वैसा है। आज भी लोग इसकी पूजा करने आते हैं। ओमबना के इस मंदिर में उनकी रॉयल इनफील्ड बाइक रखी हुई है और पास में उनका एक चबूतरा बना हुआ है। पाली जोधपुर हाईवे पर निकलने वाले सभी लोग यहाँ रुककर अपना शीश झुकाते हैं। ओमबना के मंदिर पर शराब की बोतलें प्रसाद के रूप में चढ़ाई जाती है। ओमबना और उनके मंदिर की यह कहानी वाकई में बहुत दिलचस्प है। जो भी इसके बारे में सुनता है वह आश्चर्यचकित हो जाता है। आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री ओमबना की। दोस्तों, इसी तरह के इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल द हिस्टोरिक भारत को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।